गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। नेक्स्ट वीक से है नवरात्रि और उसके बाद लगातार फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में हम पूरा मेहनत करते हैं कि हम अच्छे दिखें, हमारी गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, दिवाली पार्टीज होती है, कार्ड पार्टीज होती हैं और बहुत सारे सेलिब्रेशंस के साथ हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। और उस मीटिंग में अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो, अपनी बॉडी शेमिंग फील हो या फिर आपको लगे कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, सो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं मुझे बताते हैं कि हम तो एक साल से किसी गैदरिंग में ही नहीं गए, किसी गेट टुगेदर में ही नहीं गए। बट ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा मतलब कब तक चलेगा? अपने आप को घर में एक बंद कमरे में रखने के बजाय आप अच्छे से डाइट करो, वेट लॉस करो और उसके बाद लोगों के बीच में जाओ विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हैवी होते हैं, थोड़े बहुत मोटू भी होते हैं या वेट गेन करते हैं, बट उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद को कैरी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा भी वेट गेन हो जाता है और वो बॉडी शेमिंग फील करते हैं और वो फील करते हैं कि नहीं मैं बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा मोटू दिख रही हूँ या मेरे टमी बाहर आ गया या मैं ब्लॉट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ नवरात्रि की कुछ न्यू रेसिपीज़ जिसकी हेल्प से आपका जो नवरात्रि का जो फास्ट है वो बहुत ही स्मूथ जाएगा, इजी जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फास्टिंग निपट जाएंगे। और एंड में जब फास्टिंग आप ख़त्म करोगे, खोलोगे अष्टमी पे या फिर रामनवमी पे, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप स्वेलिंग फील कर रहे हो, ब्लॉट फील कर रहे हो या फास्टिंग के ड्यूरेशन में आपने वेट गेन करा है। अगर फास्टिंग हम कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत से, विल पावर से, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 9 दिन लगातार विदाउट सॉल्ट करते हैं, बट एंड में भी जब वो अपना फास्ट ओपन करते हैं उस दिन उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, लथार्ज हो चुकी होती है और सॉल्ट सोडियम की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फास्ट करते हैं बट खूब ज़्यादा ठोक के जंक खाते हैं। अब जंक में मैं ये बताऊँगी, खूब सारी बाहर की मिठाइयाँ, चिप्स और तला हुआ फ्राइड खाना। बट फास्ट अगर हम कर ही रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप अपना फूड इतना हेल्दी रखो, इस तरीके से अपने फास्टिंग रखो जिसके अंदर अगर आप अपना फास्ट ओपन कर रहे हो या आप फास्टिंग अपने ख़त्म भी कर रहे हो, देन आपका वेट लॉस ही हो, गेन ना हो, आप बिल्कुल फिट, फाइन एंड बिल्कुल ही हेल्दी फील करो। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ माई फेवरेट न्यू रेसिपीज़ रिलेटेड टू नवरात्रि। एंड इन रेसिपीज़ में मैंने चीले बनाए हैं और खीर बनाई है जिसकी हेल्प से आपका जो फास्टिंग है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा और आप बिल्कुल फुल फील करोगे, आपको भूख नहीं लगेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही हेल्दी है, घी मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप इस तरीके की डिशेज और इस तरीके की रेसिपीज़ आप अपने फास्टिंग में ऐड करोगे, एंड ऑफ द डे ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ना आपको स्वेलिंग होगी, ना आपको ब्लॉट फील होगा और ना ही आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। जितने भी फ्राइड खाना होता है, तला हुआ खाना होता है, बहुत सारी पूड़ियाँ बनाते हैं लोग या फिर बहुत सारे कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ हो गई या फिर जो भी फ्राइड खाना बनाते हैं, अगर हम उनको अवॉइड करके एक हेल्दी वे से अपना डाइट करेंगे, देन मेक श्योर आपका कोई भी गेन नहीं होगा, आपको स्वेलिंग नहीं आएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फास्ट ख़त्म होंगे जब आप अपने वेइंग स्केल पे चढ़ोगे, आपका वेट जो है वो कम ही दिखाएगा, ज़्यादा नहीं दिखाएगा। सो ये रेसिपीज़ कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में। सो पहली रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं आलू और साबूदाना के चीले। ये रहा साबूदाना, ये मैंने सोक कर रखा है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। सो अभी मैं इसका ये जो एक्सेस वाटर है इसको निकालूंगी। ओके जी, सो चीला बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है साबूदाना, सोक किया हुआ साबूदाना। नेक्स्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूंगी 1 आलू बॉइल्ड। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा हरा धनिया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा भुना हुआ जीरा का पाउडर। नेक्स्ट इस यहाँ पे मेरे पास है सेंधा नमक, इसके अंदर मैं डालूंगी पिंच ऑफ सेंधा नमक एज पर योर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है सिंघाड़े का आटा, 1 करछी जितना सिंघाड़े का आटा। और अब इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं अपने हाथ पे यहाँ पे लूँगी बिल्कुल हल्का सा घी, खूब अच्छे से मिक्स करा। ये जो डो हमने बनाया है आटा का, इसको हमने खूब अच्छे से एक पेड़ा बनाया, प्रेस प्रेस प्रेस। हाँ,
This is ready. Okay. And this is absolutely ready. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं रोटी, व्रत वाली रोटी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे आलू और साथ में कुट्टू का आटा. सो ये मेरे पास एक करछे जितना मैंने लिया है कुट्टू का आटा, ब्राउन कलर का आटा होता है ये, और साथ में मेरे पास है आलू. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे भुना हुआ जीरे का पाउडर. नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया. और सबसे पहले तो मैं आटे के साथ ही इस आलू को मिक्स करने की कोशिश करूंगी, आटा गूंदने की कोशिश करेंगे हम इसी के साथ. ये हमने लिया थोड़ा सा घी और थोड़ा सा पानी, और ये गूंद गया जी हमारा आटा. सो ये रहा जी हमारा आटा, और ये बिल्कुल रेडी है. अब हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी रोटियाँ. ओके जी, सो अब मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ यहाँ पर घी, और जो चपाती मैं बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी हाथ से. सो ये रहा मेरे पास पेड़ा. सो ये रही रोटी हमारी. चपाती ऑल रेडी. एंड इट्स रेडी. सावक और आलू के चीले के लिए ये है मेरे पास सावक राइस. ये मैंने लिए हैं 3 चम्मच. ओके, सो ये रहे मेरे पास सावक के राइस, और इसको हम सबसे पहले उबलने रखेंगे, और जल्दी उबल जाए उसके लिए ये है मेरे पास गर्म पानी. मैंने सावक के चावलों को खूब अच्छे से वॉश कर लिया था, सो अभी मैं इसको उबलने रखूँगी. ओके जी, सो ये यहाँ पे उबल रहे हैं. नेक्स्ट अब हम बनाएंगे सावक के चीले. उसके लिए मेरे पास उबला हुआ सावक है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा हरा धनिया खूब सारा. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है सेंधा नमक एज पर द टेस्ट, और ये काफ़ी गर्म है, और हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ मेरा सिंघाड़े का आटा, एक करछी जितना. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे घी. ओके, सो दिस आटा इज रेडी, और अब हम बनाएंगे इसकी रोटियां. ओके जी, दिस इज रेडी.
नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली वाले आलू। सो ये लिया मैंने ऑयल। ओके, सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाला कड़ी पत्ता। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दी मेरी मूंगफली। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूँ मेरा मखाना। ओके, नेक्स्ट ये रहे मेरे पास आलू। दो आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसके अंदर अब मैं डाल दूँ सेंधा नमक। खूब अच्छे से इसको अब हम मिक्स करेंगे। गैस को अब हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा हरा धनिया। रेडी। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं एप्पल खीर। एप्पल खीर के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे मिल्क। ये मैं 1 लीटर जितना मिल्क यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। परफेक्ट। ओके, इसके अंदर अब मैं डालूँगी मेरे थोड़ी सी केसर के धागे। हाँ, और अब इस दूध को हम उबलने देंगे। खूब अच्छे से हमने इसे गाढ़ा करना है। ओके, ये रहे मेरे पास 2 एप्पल। संजना मुझे हेल्प कर रही है। ओके, सो ये दूसरे पैन में यहाँ पे मैंने ले लिया है घी 1 चम्मच जितना। और यहाँ पर मेरे पास है कद्दूकस किया हुआ एप्पल, ये भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी। हम एप्पल को तब तक पकाएंगे जब तक एप्पल का जो पानी है वो बिल्कुल सूख नहीं जाता, बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता हमारा एप्पल। घी में हम इसको तब तक खूब अच्छे से पकाएंगे। एप्पल जो है ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो बनाने का मेथड है हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे, अदरवाइज दूध जो है वो फट जाएगा। इकट्ठा ही सब मत डाल देना। सो ये एप्पल मेरा रेडी हो चुका है। अब हम मिल्क चेक करते हैं। ये रहा मेरा मिल्क एंड ये भी थिक हो चुका है। काफ़ी घड़ा दिया है मैंने ये मिल्क को और ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। सो अब हम गैस बंद कर देंगे दोनों बर्तन का, एप्पल एंड मिल्क दोनों का। सो यहाँ पर एक बाउल में मैंने यहाँ पर डाल दिया है मिल्क। नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी मेरे एप्पल। नेक्स्ट मेरे पास ये है शक्कर जो कि मेरे एक क्लाइंट है रेनू, उन्होंने भेजी है मेरठ से। आपके पास जैगरी पाउडर, खांड, कोकोनट शुगर अगर वो पड़ा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रही हूँ उसी को ही एग्जैक्टली फॉलो करेंगे हम। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना कम रख सकें उतना कम। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसको फ्रिज में भी लगा सकते हो, चाहे आप इसे ठंडा खाओ या फिर इसको गर्म, अप टू यू। बट दिस खीर इज़ रेडी। और अभी इसे खाना कितना है। वेलकम बैक जी।
सो ये थी मेरी टॉप 5 रेसिपीज एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी थर्सडे को वो होगी हमारी नवरात्रा के वेट लॉस डाइट, जिसके अंदर आप 9 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे से वेट लॉस कर लेंगे एंड और जब एंड में आप अपना इंच नापेंगे तब आपके इंचेस जो है वो काफ़ी हद तक लूज दिखेंगे आपको. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो कि होगी नवरात्रा वेट लॉस डाइट ऑन थर्सडे. टेक केयर जी, बाय बाय.